विनय जी, विधानसभा चुनाव नजदीक है, आम आदमी पार्टी राजस्थान में किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, अभी अरविंद जी आ रहे और मई तक आपको राजस्थान में एक बहुत ही बड़ा और एक बड़ा संगठन दिखेगा, हर गांव गांव में दिखेगा। एंड हम लोग अपनी कोशिश आप रेडी है, समय का इंतजार कर रहे हैं। अरविंद जी आगाज करके जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे जगह जगह पे आपको हमारे आम आदमी पार्टी की मेजोरिटी दिखेगी। बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में जुड़ने के लिए तैयार है, अब हम उनसे भी बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको राजस्थान में बहुत जल्द दिखेगा कि आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। साहब, क्या री करना चाहता हूँ कि बदलाव के लिए इस तिरंगा यात्रा में जुड़े, क्योंकि ये तिरंगा यात्रा राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विगत कई सालों से यहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की पांच पांच साल मिलकर सरकार बना के सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की जनता को ठगने का काम किया। और आप देख रहे हैं विगत छः महीने से आपके माध्यम से आप जनता की, क्योंकि आप तीसरी आंख हैं और आप जनता के मुद्दों को उठाते रहते, तो आपके माध्यम से राजस्थान में क्या स्थिति आपके सामने है, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, पेपर के नाम पे पेपर लीक, और इससे बड़ा दुखद क्या होगा कि जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया उनकी वीरांगनाओं से मिलने के बदले उनको अरेस्ट किया गया,